मनीष सिसोदिया से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई का समन मनीष सिसोदिया को मिला है, मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन, ये बड़ी खबर। तो लगातार जांच के दायरे में बने हुए हैं अभी भी मनीष सिसोदिया। कल 12 बजे सिसोदिया से पूछताछ होगी। सीबीआई की तरफ से समन दिया गया है मनीष सिसोदिया को, सीबीआई का समन 12 बजे कल मनीष सिसोदिया से सीबीआई के एक और राउंड की पूछताछ। तो कल दोपहर 12 बजे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया है, मनीष सिसोदिया को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई की तरफ से ये पूछताछ मनीष सिसोदिया से कल होगी दोपहर 12 बजे। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद के पास चलेंगे। अरविंद, और क्या ताजा जानकारी, एक और राउंड की पूछताछ के लिए तैयार होना होगा मनीष सिसोदिया को? जी बिल्कुल, देखिए जो सीबीआई सूत्रों के जरिए आज तक को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनको सीबीआई ने समन किया है और कल सीबीआई हेडक्वार्टर में उनको जाना होगा, उनसे पूछताछ करेगी सीबीआई। आपको बताऊं कि जो एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें अक्यूज नंबर 1 है मनीष सिसोदिया, तो कल सीबीआई के सवालों का सामना मनीष सिसोदिया को करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली। आपको बताऊं ये जो पूरा केस है वो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी एक्शन में आई थी, कई जगह पर रेड हुई थी। मनीष सिसोदिया के यहाँ पर भी एजेंसी की टीम पहुंची थी और घंटों की वहां पर तफ्तीश की थी। उसके अलावा कई जो शराब कारोबारी हैं जो तमाम अधिकारी हैं जो एक्साइज पॉलिसी से उस वक्त जुड़े हुए थे उनके ठिकानों पर रेड की गई थी। लेकिन अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन किया है और कल 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। मलिका, ये कार्रवाई और किस तरह से अरविंद आगे बढ़ सकती है, कितनी मुश्किल हो सकती है मनीष सिसोदिया के लिए? क्योंकि अगर याद किया जाए जब विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था तब अरविंद केजरीवाल ने इशारों में कहा था कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया को होने वाला है। क्या लग रहा है कि किस तरह के सवाल उनसे दागे जाएंगे? जी ज्यादातर जो सवाल है वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर ही पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर्ड की थी उसमें कई लोगों के नाम थे, लेकिन जो अक्यूज नंबर 1 है वो मनीष सिसोदिया को ही सीबीआई ने बनाया था। ऐसे में सीबीआई जाहिर सी बात है जो एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर सवाल पूछेगी। इसके अलावा एक्साइज पॉलिसी में अगर आपने देखा होगा तो पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने एक के बाद एक कई जगहों पर रेड की थी, कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आपने विजय नायर का जिक्र किया उसे भी गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर सी बात है सीबीआई सूत्रों का दावा है कि कई इस तरह के क्लू मिले हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों गिरफ्तारी ईडी ने की है, ईडी ने गिरफ्तार किया था एक अक्यूज को, उसके बाद सीबीआई ने उसको कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की, तो जाहिर सी बात है सीबीआई को एक लंबी तहकीकात के बाद कुछ क्लू मिले होंगे, और शायद यही वजह है कि जो मनीष सिसोदिया है उनसे अब सीबीआई कुछ सवाल जवाब करना चाहती है, खासतौर से एक्साइज पॉलिसी को लेकर, और बहुत मुमकिन है कि पिछले दिनों जिस तरह से ईडी का एक्शन हुआ था उसको लेकर। तो सवालों की फेहरिस्त वो तैयार है सीबीआई की, क्या कुछ सवाल होंगे ये कल देखना होगा। लेकिन 12 बजे कल सीबीआई मुख्यालय में पहुंचना होगा मनीष सिसोदिया को, और उनसे सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। देखिए आपको बताऊं, जब से ये पूरा मामला सीबीआई ने दर्ज किया है उसके बाद से सियासत भी गर्म है। जैसा कि आपने कहा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार ये दोहराते रहते हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और अगला नंबर मनीष सिसोदिया का होगा। हालांकि आपको बताऊं कि लगातार जो ईडी की टीम है, सीबीआई का जो एफआईआर था उसको टेक ओवर किया था, उसके बाद दिल्ली समेत पंजाब और महाराष्ट्र कई जगहों पर रेड की थी और कई लोगों से पूछताछ हुई थी। तो अब जो अक्यूज नंबर 1 है सीबीआई की जो एफआईआर है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, उनको समन किया सीबीआई ने और पूछताछ के लिए बुलाया।